भारतीय जनता युवा मोर्चा सांबा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो वास्तव में भारत के लिए जम्मू कश्मीर के विलय दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ाती है। 100 से अधिक युवाओं ने अपनी बाइक पर तिरंगा लगाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए विजयपुर में रैली निकाली। नरेंद्र प्रताप सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विलय दिवस की बधाई दी। नरेंद्र प्रताप ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा पर भी तंज कसते हुए कहा कि महबूबा जानबूझकर देश विरोधी बयान दे रही हैं। सांबा से निखिल पंगोत्रा की खास रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज 24। आज हमारे 73वां एक्सेशन डे है, विलय दिवस जिसको हम बोलते हैं। आज जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर के दिन महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत गणराज्य के साथ किया था। इसी के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रत्येक जिला स्तर पर एक तिरंगा रैली का आयोजन किया हुआ है। उसी के आयोजन के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज हमने ये आयोजन अपना मंडल विजयपुर में किया हुआ है। ये बाइक रैली हमने एक्सेशन डे के उपलक्ष्य पर में रखी हुई है और ये महाराजा बहादुर जी को हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है और उन साजिशकर्ता लोगों के लिए ये एक चेतावनी है जो कहते हैं कि यहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं उठाने वाले लोग हैं, ये इनके मुंह पे करारा तमाचा है। आज उन्होंने देख लिया है कि हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक युवा और नागरिक तिरंगे झंडे को मर जाएगा लेकिन झुकने नहीं देगा। ये उन ताकतवर लोग जो बने हुए हैं अपने आप में, जो चाइना की सहायता ले रहे हैं या पाकिस्तान की सहायता ले रहे हैं, ये उनके मुंह पे और गाल पे करारा तमाचा है। उन्होंने देख लिया है कि आज नौजवान युवा इस तिरंगे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और आने वाले वक्त में उनको पता चल जाएगा कि हमारे प्रदेश का जो देशभक्त युवा है उनको जम्मू कश्मीर में मुंह नहीं निकालने देगा और ये राष्ट्रपति लोग हैं, अपने देश के लिए, अपने देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान दे सकते हैं लेकिन हम अपने देश में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को चेताना चाहते हैं कि उनके बहकावे मत आओ। हम भारत के साथ पूर्ण विलय है हुआ है हमारा। महाराजा बहादुर जी बहुत दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के लेटर ऑफ एक्सेशन किया है और जिसमें पूर्णता विलय किया है। इसमें कोई लाज प्लेज की कोई बात नहीं है, जो कहते हैं एक्सेशन ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णता विलय आज हमारा जम्मू कश्मीर का भारत सरकार के साथ, भारत गणराज्य के साथ हुआ था। ये तिरंगा रैली है अज के दिन साडा जिहड़ा जम्मू कश्मीर जिहड़ा साडा राज्य हा, अज के दिन साडा जिहड़ा भारत कन्नै विलय होया हा। साडे महाराजा हरि सिंह होरें अज के दिन गै साडे जिहड़ा जम्मू कश्मीर का जिहड़ा विलय हा उह भारत विच कीता हा। अस इस दिन की बड़े धूमधाम कन्नै अज मना रहे हैं और उस दिन के बाद अज 1947 जदों विलय होया ओहदे बाद अज पहला मौका है कि इस दिन उपर जिहड़ी सरकार तरफा छुट्टी भी घोषित हुई है और अज अस इसी पहली बार हर्षोल्लास कन्नै मना रहे हैं। इस तों पहले जिहड़ी देश विरोधी ताकत सरकार ही है वो ये चीज़ें सानू अलाउ नहीं करती है कि अस ये चीज़ मनाचे। अज सारे युवा ने बड़ी जड़ी इस जिहड़ा मौका है इस हिस्सा लेता है और अस धन्यवाद करना चाहते हैं महाराज हरि सिंह का जिहड़ा उन्हें उस टाइम इन्ना जिहड़ा सुलझे का फैसला लिया। सानू जिहड़ा साडा जम्मू एंड कश्मीर है इसी उन्हें जिहड़ा भारत में विलय किया और कुछ जिहड़ी देश विरोधी ताकत जिहड़ी अगुआं दी जम्मू में राज करा दी हाँ जिन्हें 370 की लिया हाँ और साडे जिहड़े अस धन्यवाद करने मोदी हुंदा भी जिन्हें 370 की तोड़िया ते सानू जिहड़ा जम्मू एंड कश्मीर दे जिहड़े लोग न अस फिर जिहड़ा अज सानू सही हुंदा कि अस पूरे भारत में साडा विलय होया और कुछ ताकतां जिहड़ियां आखदियां कि नहीं जी अस झंडा नहीं चुकना, अगर जम्मू च रोहना तो उन्हें झंडा चुकना भी पौग और झंडा लहराना भी पौग क्योंकि जम्मू का जिहड़ा युवा है वह एकजुट है, चाहे वह जम्मू का चाहे वह कश्मीर का युवा है, हुण देश दे कन्ने है। जी कुछ पार्टियां पीडीपी एनसीए लीडर जो बयान दया दे की दया दे क्योंकि इंटर जी सियासी जमीन है वो किसकी है, इन्हें कोई मुद्दा नहीं लगा रहा हूँ। इस नवे मुद्दे पर आइए मुड़िए जरा अलगवादी मुद्दा है राग जो अलपाद पर उन्हें सब कुछ नहीं चलना क्योंकि 370 खत्म हुई थी, इंटी जी चाल नहीं चलनी है। साडा जो युवा है वो देश कन्ने है और तिरंगे की चुकने का भी कन्ने और तिरंगे का जान देने का भी कन्ने है। जय हिंद जय भारत।